मुंबई 1959। सिटी फाइनेंशियल फेरबदल से गुजर रही थी, फैक्ट्रीज लग रही थी, फिल्म इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी, बाहर से आकर बसने वालों की तादाद बढ़ रही थी। उधर मेगापोलिस के गिरगांव इलाके में लुहाना निवास में उसके बीज बोए जा रहे थे, जो आगे चलकर एक रेवोल्यूशन बनने वाला था। इसकी अगुवाई कर रहा था औरतों का एक ग्रुप, जिसमें जसवंती बेन भी शामिल थी। गच्ची ने शुरू किया, हमने सबको बुलाया, तो पहले दिन साथी बेन आया, खाली पांच बिल्डिंग में से हम सात बेन नहीं बनाया पहला दिन। और इंडिया में पापड़ का नाम सुनते ही जो पहला नाम दिमाग में आता है वो है लिज्जत। उस छोटी सी शुरुआत से ये मूवमेंट पूरे देश में अपनी जड़ें जमा चुका है। आज देश भर में इसकी 82 ब्रांचेस हैं। 100 पापड़ों के बैच से शुरू करके आज पूरे इंडिया में रोजाना 1.3 करोड़ से ज्यादा पापड़ तैयार किए जाते हैं। यानी इतने कि इन्हें सूखने के लिए फैलाएं तो ये फुटबॉल के 44 मैदान ढक लेंगे। हम हैं लिज्जत पापड़ की मेगा किचन्स में। पुणे में लिज्जत की दयारी ब्रांच पूरी तरह से तैयार है। मुंबई से मिले ऑर्डर को पूरा करने के लिए काम जोरों पर है। इस जैसी ब्रांचेस उन नर्व सेंटर्स के तौर पर काम करती हैं, जो हजारों औरतों को वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसे ले जाकर वो अपने घरों में पापड़ बेलती हैं। लेकिन टनों डो गूंदना कोई आसान काम नहीं है। पुणे की इस ब्रांच की अपनी चक्की है, जो एक दिन में 4700 किलो से ज्यादा दाल पीसती है। पहले उड़द की दाल एकदम बारीक पीसी जाती है। इसके बाद ठीक से न पिसने वाले बड़े टुकड़ों को छानकर निकाला जाता है। हींग एक अहम इंग्रेडिएंट है, जो लिज्जत पापड़ को एक खास फ्लेवर देती है। एक साल में लिज्जत 4.8 अरब से ज्यादा पापड़ तैयार करता है, यानी इतने पापड़ कि अर्थ को 21 बार लपेट लें। मुंबई के एक सबब में लिज्जत पापड़ की फाउंडर सिस्टर्स में से एक 85 साल की जसवंती बेन आनंद जी और प्रेम जी की दुकान की तरफ जा रही हैं। 1959 में इसी दुकान पर उन्होंने और उनकी फ्रेंड्स ने अपने पहले 4 पैकेट्स बेचे थे। जसवंती बेन और दोनों भाई अब पुराने दोस्त हैं। ये उस मॉडल की सादगी की मूर्त है, जिसको ये इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंट करता है। और जहाँ इंस्टीट्यूशन बदलते वक्त के साथ इवॉल्व और अडेप्ट हुआ है, वहीं इन्होंने अपना जज्बा भी बनाए रखा है। नमस्ते, केम छो? ओकी से आया तुम्हें हमना? बड़ा चाले ना? ओ, बहुत मस्त चाले के तुम्हारा पापड़। हमने कहीं असंतोष नहीं, बहुत संतोष है तुम्हारा पापड़ में। हिम्मत मैला कसे तो? हां बस बस भले आकार हां बस हिम्मत कर हुआ। ये पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स थे और इन्होंने अपनी आंखों से लिज्जत को तरक्की करते देखा है। बहुत बढ़ गया सेल, बहुत बढ़ गया। पहले तो क्या है, हम 5-5, 10-10 पैकेट मंगाते थे, अभी 50-25, 25-30 हाथ में मंगाते कि हफ्ते में 2 डब्बे आता है इनका। हमारा जो पिताजी चाचा थे ना, उनको लोगे बहनों को ज़्यादा मदद मिले ऐसा करने का, इसलिए उनका ज़्यादा प्रिफर किया। इसी कॉर्नर स्टोर से बहुत छोटे पैमाने पर शुरू हुआ लिज्जत पापड़ का सफर आज दुनिया के कोने कोने तक जा पहुँचा है। लिज्जत अपने पापड़ यूके, यूरोप, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों को एक्सपोर्ट करता है। बढ़ते बिजनेस के पीछे है नई सोच। एक कदम और आगे बढ़ते हुए इन्होंने पैकेज्ड चपातियां बनानी शुरू की। अब रोजाना 13,000 से ज्यादा रोटियां बनाई जाती हैं, सब हाथ से बेली और सेकी जाती हैं। इसके पीछे भी मकसद वही है, ज्यादा से ज्यादा औरतों को एम्पावर करना। 80 रुपए के लोन से शुरू हुए इंस्टीट्यूशन लिज्जत का आज मंथली एक्सपोर्ट टारगेट 7 करोड़ रुपए और एनुअल टारगेट 70 करोड़ रुपए है। बिना मॉडर्न मशीन्स के क्वालिटी को बनाए रखने के इरादे के साथ लिज्जत ने तैयार किया एक सादगी भरा पापड़, जो बना भारत में औरतों को एम्पावर करने का एक जरिया।